अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स हब। हम यहाँ आसिया मिर्ज़ा का नावल दिल एक शहर जुनून पढ़ रहे थे। उसकी हमने 4 एपिसोड पढ़ ली हैं। आज हम उसकी 5वीं एपिसोड से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 3 डोर वाली अलमारी के आखिरी डोर से लगकर उसे देखने लगी। अच्छी बात है ये तो कि अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मायूस नहीं हैं बल्कि होपफुल हैं और शुआए उम्मीद लेकर दूसरों को भी रोशनी दिखा रहे हैं। वो अपने वार्डरोब में मुंह दिए बोला। उसके लहजे में हमेशा की तरह सिकंदर रजा के लिए सिताइश और हिमायत ही थी। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, ना कि उनके इरादों और अज़म का मजाक उड़ाना चाहिए। वो शलवार सूट निकालकर उसकी तरफ पलटा तो वो जो बहुत गौर से उसे उसकी तरफ देखे जा रही थी, उसके पलटने पर निगाहों का तसादम हुआ। तसादम गो के खफीफ सा था, मगर वो यूं गड़बड़ा गई जैसे जुर्म कर गई हो। निगाहों का जाविया बदल कर पीछे हटी थी। उसके खूबसूरत रुखसारों पर जाने की वो खफत की सुर्खी फैल गई, जो वलीद हसन ने पता नहीं महसूस की या नहीं। उसी दम सोगरा ने कमरे का दरवाज़ा बजाकर खाने की इत्तला दी और उल्टे कदमों वापस हो ली। चलें आप भी, अब शावर का इरादा तरक करें, पहले लंच करें, मुझे तो शदीद भूख लग रही है। आंते कुल शरीफ पढ़ रही हैं। वो उसे बाथरूम की तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से बोली और फिर सरद से कमरे से निकल गई। वो भी शावर का प्रोग्राम मुलतवी करता शर्ट की आस्तीन फोल्ड करके रिस्ट वॉच पर सरसरी नज़र डालकर कमरे से बाहर आ गया। उज़्मा को बड़े दिनों बाद देख कर तानिया बड़ी खुश हुई। वो उसकी पड़ोसन थी और बेहद अच्छे घराने की प्यारी सी लड़की थी। तानिया के अलावा अम्मा और नादिया आपी भी उसे बहुत पसंद करती थी। आज कैसे रास्ता भूल गई। वो उसे लिए कमरे में अंदर चली आई। मैं तो फिर भी आ जाती हूँ, मगर तुम्हें तौफीक नहीं होती। कौन सा दूर है घर, सिर्फ एक गली का तो फासला है, और फिर तुम्हारा भाई नोमान तो अक्सर उस तरफ से गुजरता है, उसी के साथ आ जाया करो। अरे, वो हंसने लगी, मैं अकेली भी आ सकती हूँ, उसे दुमछल्ला बनाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम चाहो तो उसे ला सकती हूँ, वो उसके सिमत झुकते हुए शरारत से बोली। तो उज़्मा ने खशमगी नज़रों से उसे देखा। ऐसी फजूल लड़की समझ रखा है मुझे, अरे ऐसे नौमानों को तो पूछती है मेरी जूती। अच्छा बस बस, ज़्यादा गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही तुम्हारी तरफ आने का सोच रही थी। नादिया आपी को जो रिश्ता आया हुआ था वो मंजूर कर लिया है अम्मा और सिकंदर भाई ने, वही खबर देने आती मैं। अच्छा हुआ तुम आ गई, अब मंगनी ने भी आना। अरे सच, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। मैं कहाँ नादिया आपी, वो इस खबर पर खुश दिखाई देने लगी। लगता है सफ़िया आपा के इल्म में आई नहीं है ये बात, वरना पूरे मोहल्ले में नशर हो चुकी होती। वो मोहल्ले की रिपोर्टर सफ़िया खाला की बाबत बोली। फिर दोनों हंस पड़ी। कहाँ, अभी कल ही की तो बात है, पहुँच जाएगी ये खबर सफ़िया आपा को भी। अपनी ये सफ़िया आपा हैं बड़ी जासूसा किस्म की खातून, पड़ोस की एक दीवार होने के बाइस सबसे ज़्यादा हम ही मुतासिर होते हैं उनकी जासूसी से। अभी कल अबू बड़ी आपा के बेटे के लिए 2 सूट लाए थे, पता नहीं कैसे सफ़िया आपा को खबर हो गई। शाम को अम्मा से कहने लगी, मुस्तफ़ा भाई तो माशाल्लाह नवासों तक का भी दम भरते हैं, क्या दाम से मिले हैं सूट। फिर खीखी करके हंसने लगी, दरअसल मुझे भी अपने नवासे के लिए ख़रीदने हैं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ। नवासा, तानिया उज़्मा के अंदाज पर हंसते हुए एकदम चौंक कर बोली। जी नवासा, जिनकी आमद अगले महीने मतवक्का है, इन्हें इल्म हो गया है कि नवासा ही होगा। ओह माय गॉड, पूरी ड्रामा है सफ़िया खाला, वो कह कहा ना रोक सकी थी। सिकंदर भाई से कहो तानी कि अखबार में खबरें लगाने का तरद्दुद करने की बजाय अपनी सफ़िया पा के कानों में डाल दें, पूरे शहर में नशर हो जाएगी, ऐसा पावरफुल मीडिया है। हाँ, अब लगता है यही करना पड़ेगा। वो दोनों बातें कर रही थीं कि नोमी एकदम अंदर दाखिल हुआ, फिर उज़्मा को देखकर ठटक गया। उज़्मा ने जल्दी से सर पर दुपट्टा खींच लिया था, वो तो पलटकर बाहर निकल गया, मगर जाते जाते एक भरपूर नज़र उस पर डाल गया था। शायद कोई काम होगा तुमसे, बेचारे घबरा कर निकल भागे। उज़्मा मुस्कुराई, हूँ शायद। तानिया खड़ी हो गई, गो कि वो जान गई थी कि नोमी जानबूझकर अंदर आया था, हालांकि उज़्मा जहां बैठी थी वो दरवाजे के बाहर से भी देखी जा सकती थी। फिर कैसे नोमान की नज़र ना पड़ती और वो बेख्याली में अंदर आ जाता। उसकी घबराहट भी मसनूई थी, मगर ये बात सिर्फ तानिया ही जान सकी थी। कोई काम था क्या, वो मुस्कुराहट दबाकर बाहर आई तो नोमी को कूलर के पास खड़ा देखकर पूछने लगी। नहीं नादिया आपी से काम था, सॉरी मुझे ख्याल नहीं रहा कि अंदर तुम्हारी सहेली आई बैठी है। नहीं कोई बात नहीं, आपी तो नहा रही हैं। वो वापस कमरे की तरफ पलटने लगी कि उज़्मा के दिल खराश चीख सुनाई दी। वो बदहवास होकर भाग कर अंदर आई तो उज़्मा थर थर
कांपती फटी फटी आंखों से सामने दीवार को घूर रही थी, जहाँ एक मोटी ताज़ा छिपकली पुरसकून अंदाज में किसी मुसव्वर के पोर्ट्रेट की तरह चिस्पा थी। उज़्मा की दिलदोज चीख पर भी गोया मतलब असर ना हुआ था। ये मेरी इस कुर्सी पर थी अभी, हाय सानी मैं मर गई, वो मारे खौफ के बामुश्किल आवाज खींच कर बोली। तानिया उसके वहशत ज़्यादा चेहरे को देखकर हंसने लगी। उधर नौमी भी लपक कर अंदर आ गया था। अरे छिपकली से क्या डरना, अभी अभी मार डालता हूँ, वो बहादुर हीरो बनने का ऐसा गोल्डन चांस कैसे मिस कर देता। चप्पल उठाई और छिपकली की तरफ पेश कदमी की। वो दोनों घबराकर तेजी से पीछे हट गई थी। कुछ ही देर बाद तड़पती हुई छिपकली के पास नौमी फातेहाना अंदाज में खड़ा था। हाँ है मर गई ये तो। उज़्मा को तो जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि नौमी इतना माहिर निशानाबाज भी हो सकता है। फिर सुकून की गहरी सांस भरकर कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। तोबा है लड़की, एक छिपकली से जान ही निकाल दी तुम्हारी, शुक्र करो सर पर नहीं चढ़ गई तुम्हारे, वरना ये निशाना नौमी को तुम्हारे सर का लेना पड़ता। तानिया के साथ नौमी भी कहकर मारकर हंस पड़ा। उज़्मा तानिया को घूरने लगी। छिपकली से ज़्यादा मासूम कोई कीड़ा नहीं होता, इस बेचारी से इतना क्या डरना। नौमी चप्पल खिड़की से बाहर बरामदे में ही उछालकर उन दोनों की तरफ आ गया। जी इतना ही उसकी मासूमियत पर प्यार आ रहा है तो उसे जेब में लेकर घूमे, आपको कौन रोकता है। उज़्मा जल कर कदरे रवानी में कह गई, मगर दूसरे पल झीम कर तानिया को देखने लगी। मजबूरी है कि हर प्यारी लगने वाली शय को जेब में लेकर नहीं घूमा जा सकता ना। वो उस पर एक भरपूर नज़र डालकर मनी खेज तबस्सुम के साथ बोला और सरस से कमरे से निकल गया। उज़्मा के चेहरे पर एक यकदम खफीफ सी सुर्खी उमड़ आई, जबकि तानिया उसकी निगाहों और मनी खेज तबस्सुम को दूसरे लम्हे संभल कर नज़रअंदाज करते हुए मुर्दा छिपकली को यहाँ से फौरी उठाने का सोचने लगी। पता नहीं मुर्दा छिपकलियों से क्यों नहीं डरते, वो जीम कर कह रही थी। शुक्र करो नहीं डरते, वरना आज ये छिपकली यहाँ वहाँ ठकेलियाँ करती फिर रही होती, तुम्हें खूब सताती, हो सकता है तुम्हारे कपड़ों में घुसकर, हाय तानी मैं तो मर जाऊँ। उसने दहल कर सीने पर हाथ रखा। तानिया ने जो नक्शा खींचा था उससे तो उसकी रूह ही फना होने लगी थी। फिक्र मत करो तुम, इतनी आसानी से नहीं मर सकती, नौमी भाई जो हैं चप्पल संभाले, तानिया ने उसे छेड़ा फिर जबरदस्त कहकहा लगाया। ओए होए एक छिपकली क्या मार ली, नौमी भाई हीरो हो गए, उसने मुंह बनाकर मजाक उड़ाया। तानिया ने डस्टबिन में झाड़ू से छिपकली की लाश डालकर डस्टबिन झटके से उसके आगे किया तो वो चीख मारकर पीछे हटी। मजबूरी है, घरेलू हीरो तो ऐसे ही होते हैं, अब शेर तो घरों में आते नहीं, वरना मेरा जीदार भाई वो भी मारकर तुम्हारे कदमों में ढेर कर दे। वैसे मुलाहिजा कीजिए ये छिपकली भी शेर के बच्चे से कम नहीं है। तानिया डस्टबिन में पड़ी छिपकली का मुआयना करने लगी। उज़्मा बेतहाशा हंसती हुई कमरे से निकल भागी। फिर सहन में खड़े होकर आवाज़ बुलंद बोली, मैं जा रही हूँ बेहुदा लड़की, तुम दफनाती रहो अपने हीरो भाई के कारनामे को। अच्छा सुनो सुनो, वो बाहर निकली फिर हंसते हुए बोली, परसों ज़रूर आना, आप ही के ससुराल वाले आ रहे हैं ना रस्म करने मंगनी की, देखो आना ज़रूर, वरना ये छिपकली भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, तानिया ने चीख कर कहा तो वो सर हिलाकर दरवाजे से निकल आई। नादिया आपी गुसल खाने से निकलते हुए हैरत से उन दोनों की गुफ्तगु सुन रही थी। कितने दिनों का इकट्ठा नहा रही थी आपी, मेरा तो ख्याल था अब रात को ही बरामद होंगी घरेलू स्विमिंग पूल से। वो बेसन में हाथ धोकर तौलिया नादिया आपी के हाथ से लेते हुए हाथ पूछते हुए बोली। वो झीप गई, अभी उज़्मा आई थी, उसने इत्तला फराहम की, वो तो मैंने भी देखा, मगर ये तुम दोनों क्या उल्टी सीधी हांक रही थी, क्या मामला है। उन्होंने गीले बालों को झटक कर पीछे की और पैरों में चप्पल डालते हुए पूछा। तानिया ने एक गहरी सांस ली। मामला खासा गड़बड़ है प्यारी आपी, उसने तसव्वुर में नौमी का चेहरा लहरा गया। उसका मनी खेज तबस्सुम, उसकी आंखों की वाराफ्तगी, तानिया को महसूस हुआ कि नौमी की आंखों में जज्बों की शदीद लपक थी। उसे नौमी की ये हरकत पहली बार बुरी नहीं लगी थी, शायद इसलिए कि उसने उसके चेहरे से सच्चाई झलकती देख ली थी, और दूसरा उज़्मा खुद उसे बहुत पसंद थी। वो गहरी सांस भरकर मुस्कुराती चल दी। नादिया आपी ने उस पर एक नज़र डाली और कतन दिलचस्पी ना लेते हुए सर झटक कर गीला तौलिया सुखाने के लिए पिछले बरामदे की तरफ पलट गई। वडेरा मर्दान अली शाह का चेहरा गैज़ो गज़ब से मस्ख हो रहा था। कड़कड़ाते शलवार कमीज कंधे पर चादर डाले, हाथ में सिगार पकड़े, मुश्तइल सा इधर उधर चक फेरियाँ खा रहा था जैसे कुछार में भूखा गुस्से से भरा शेर।
फिर रुक कर सिगार लबों में दबाकर निकाला और नागवारी से भरपूर आवाज में बोला, एक मामूली सा काम तुम लोगों से नहीं होता, सिर्फ हराम का खा खा कर काहिल, सुस्त और अकल से पैदल हो चुके हो। बोलो क्या अब मैं खुद उस अहमक गावदी दो टके के प्रोफेसर के पास चल कर जाऊँ जिसकी हैसियत मेरे नज़दीक एक चुनटी से भी ज़्यादा नहीं है। बाबा तौकीर तुम क्या खड़े मुँह तक रहे हो, ये सब तुम्हारे पाले हुए हराम खोर हैं जो किसी काम के नहीं हैं। इस दिन के लिए पाला है तुमने। एक तरफ खड़ा तौकीर शाह का मैनेजर वडेरा मर्दान अली शाह की फटकार सर झुकाए सुन रहा था, जिनका रुख अब अपने ही बेटे तौकीर शाह की तरफ हो गया। ये समझती हैं तालीम इनकी अकल टखनों से निकालकर सर में डाल देगी। अब खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ दफा हो जाओ। वो आगे आई चादर का कोना गुस्से से कंधे पर डाल कर धाड़ा। साईं वो बड़ा ज़िद्दी प्रोफेसर मालूम होता है। आज वाइस चांसलर के ऑफिस में बुला कर भी मैंने उससे बात की, मगर वो इस मौजू पर बात करने के हक में ही नज़र नहीं आता। खुद चांसलर साहब भी मेरी हिमायत कर रहे थे, मगर वो तो एक ही रट लगाए हुआ था कि मैं असूल पर सौदेबाजी नहीं करता। अपने साईं से कह दो कि लड़के ने जो काम किया है वैसे ही नंबर भी मिलेंगे। उसने प्रोफेसर जुबैरी से होने वाली गुफ्तगू का मुख्तसर अहवाल बताया, जिसने मर्दान अली शाह के चेहरे को मजीद मसख कर दिया। उसने हाथ उठाकर मैनेजर को कहर बरसाती नज़रों से देखते हुए जाने का इशारा किया, फिर तौकीर शाह की तरफ मुड़ा। इस प्रोफेसर को शायद खबर नहीं है कि अकबर शाह किसका बेटा है। खबर तो है बाबा साईं, मगर शायद अच्छी तरह खबर नहीं है। तौकीर शाह के मूंछों तले लब खफीफ से फैल गए, फिर वो उलझन भरे अंदाज में बोला, बाबा साईं आपने वैसे भी अकबर शाह को बहुत खुली छुट्टी दे रखी है, उसे ज़रा कंट्रोल कीजिए, उसका रोज़ नया मसला खड़ा होता है हमारे सरों पर। तुम क्या उस प्रोफेसर के ही? मर्दान अली ने बेटे को तैश के आलम में देखा तो वो जल्दी से नखुवत से सर झटक कर बोला, तौबा कीजिए बाबा साईं, अभी पागल कुत्ते ने नहीं काटा, मगर मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अकबर शाह की हरकतें, उसकी नादानियाँ हमारे सियासी करियर पर असरअंदाज होती हैं। वो ना समझ है, उसे इतनी आज़ादी देना नुकसानदेह हो सकती है, और फिर गोठ में सब चल जाता है, मगर शहर में अपने कुछ कायदे असूल हैं, सहाफ़ी बरदरी अलग जान को आ जाती है। अभी हफ्ता भर पहले की बात है, मैंने होटल में हल्ला गुल्ला करके उसने तोड़ फोड़ मचाई तो वो तो खैर मैंने मामला दबा दिया, मगर ये अच्छा तो नहीं है ना बाबा साहब, अब वो बच्चा भी नहीं है। ठीक है बाबा, मैं उसे समझा दूंगा, मगर पहले ये मसला तो हल करो, अगर वो अपने इस पर्चे में रह गया तो बड़ी शर्मिंदगी और बदनामी की बात है। दूसरे पर्चों की तो खैर है, पता नहीं ये बेवकूफ़ अड़ियल प्रोफेसर कहाँ से सर दिखाने चला आया। मर्दान अली शाह सोफे पर बैठ गया, वो सख्त झुंझलाहट का शिकार हो रहा था। इस मामले को आप मुझ पर छोड़ दे बाबा साहब, मगर मैं चाहता हूँ ये सब अफहामो तफहीम से हो जाए, वो उलझ कर बोला, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, पैसे में बड़ी ताकत है बाबा साईं, अभी हमने आफर ही कहाँ दी है उसे, यूं भी जब पैसा बोलता है तो बड़े बड़े उसूल कानून खामोश हो जाते हैं, उनकी ज़बानों पर कुफर लग जाते हैं। तो तौकीर शाह के लबों के साथ आंखों में भी मकरू सी मुस्कुराहट चमक रही थी। साईं, मास्टर दीन मोहम्मद का बेटा आया हुआ है, कमदार ने अंदर झाँक कर इत्तला दी। तौकीर शाह ने चौंक कर मर्दान अली शाह की तरफ देखा, हाँ उसे भेजो अंदर, मर्दान अली शाह ने सिगार सुलगाते हुए कमदार को जवाब दिया। मास्टर दीन मोहम्मद के बेटे को आपने बुलवाया है, खैरियत? तौकीर शाह ने उलझ कर उन्हें देखा, खैरियत ही है, आओ आओ यूसुफ। वो अंदर दाखिल होते दीन मोहम्मद के बेटे की तरफ मतवज्जा हो गए, सलाम साईं, आपने याद फरमाया था मुझे। वो दोनों हाथ सीने पर बांध कर वडेरा मर्दान अली के सामने खड़ा हो गया, उसके लहजे में कुछ खौफ था। बैठो बाबा बैठो, साईं कोई खता तो नहीं हो गई हमसे, उसने दो कदम पीछे हटकर झिझक कर सीटी पर बैठते अपना खदशा जाहिर किया तो मर्दान अली शाह दोस्ताना अंदाज में मुस्कुरा दिया, ना साईं खता कोई नहीं हुई, बस चंद बातें करनी हैं तुमसे। ये बताओ आजकल तुम्हारा रोज़गार क्या है, बाबा पढ़े लिखे लड़के हो, हारी की तरह काम करने में शर्म महसूस करते होगे? ना साईं, शर्म मेहनत में शर्म कैसी, वो जल्दी से बोला, बस जी मास्टरी ही मेरा रोज़गार है, आप तो जानते हैं स्कूल में सहूलियात का फुकदान है, इसलिए बच्चे भी चंद एक हैं। वडेरा मर्दान अली ने एक हुंकारा भरा और सोफे से खड़ा हो गया, देखो यूसुफ पुत, ये स्कूल का चक्कर छोड़ो, क्यों खुद को चंद बच्चों के लिए खवार कर रहे हो, और मैंने तुम्हें इसी सिलसिले में बुलवाया है कि ये स्कूल खाली करवाना है। जी जी
यूसुफ बेचारा हक्का बक्का मर्दान अली शाह की सूरत देखता रह गया। मगर साईं ये बच्चे कहाँ जाएंगे, जो क्या उन सब का ठेका तुमने ले रखा है? तौकीर शाह झिझक कर बोला तो वो बेचारा दबक गया। जबकि मर्दान अली शाह ने तौकीर शाह पर एक नज़र डाली, उन्हें उसका यूं बेमौका झुकना कुछ नागवार महसूस हुआ था। ताहम किसी किस्म की सरजनश की कोशिश ना की और अपने साबका लहजे में बोला, हम इस गोट के बड़े हैं, ये सारी बातें सोचने की हमारी हैं और हम सोचते हैं। फिलहाल तुम फारिग करो बच्चों को, हम उससे बेहतर जगह चाहते हैं स्कूल के लिए, जहाँ हर सहूलत हो। वो जी वलीद साहब ने भी, यूसुफ ने अपनी जगह से उठते हुए बेख्तियार बोलते हुए जबान दांतों में दबा ली, फिर घबरा कर उंगलियाँ चटखाने लगा। मर्दान अली ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। वलीद? कौन वलीद? वो आपके मेहमान जी, वो भी आए थे स्कूल का मुआयना करने। यूसुफ के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। मर्दान अली शाह ने गहरी सांस भरी, उसके चेहरे के जावियों में तहय्युर था। उसने आंखें सुकेट कर यूसुफ को देखा, ताहम बाप की मौजूदगी में कुछ कहने पूछने से गुरेज किया। ठीक है, तुम जाओ और हाँ, कल ये स्कूल खुला नज़र ना आए। वो सिगार सुलगाते हुए दोबारा सोफे पर बैठ गया। यूसुफ सर झुकाकर बाहर की राह लेते हुए ज़रा सा झिझक कर बोला, साईं नया स्कूल अंदाजन कब तक खुलेगा? मेरा मतलब है, हाँ हाँ बहुत जल्द, वो गहरी सोच से निकल कर बोला तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गया। वलीद हसन को जाकर स्कूल का मुआयना करने की क्या ज़रूरत थी बाबा साईं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। यूसुफ के बाहर निकलते ही तौकीर शाह बिगड़े लहजे में बोला, समझ में तो मेरी भी नहीं आई, खैर हमें तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें भी ये फिक्रें पालने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम अकबर के पर्चे का कुछ करो, फिर से प्रोफेसर से मामला तय करो, और फिर दूसरा काम ये करना है कि अपने चंद आदमियों को कहो कि इस स्कूल पर फिल वक्त अपना कब्ज़ा कर लें। मर्दान अली शाह सोफ़ा छोड़कर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है बाबा साई, मैं ज़ाती तौर पर इस प्रोफेसर से मिल लेता हूँ, दो टोक बात हो जाएगी। मुझे बड़ी उलझन होती है जब मामला रबड़ की तरह खींचने लगता है, डोर काट दो या खींच लो, मैं तो इसका कायल हूँ। मर्दान अली शाह मुबहम से अंदाज में मुस्कुरा दिए, जवानी में सब ऐसे ही होते हैं, उम्र के साथ ठहराव आता है मिजाज में, जब रगों में खून भी ठहर ठहर कर दौड़ता है। वो उसका कंधा थपक कर बाहर निकल गए। ओफो, आखिर तुम लोग मुझे हसीन बनाने पर क्यों तुल गई हो? मैं जो हूँ जैसी हूँ की बुनियाद पर ही पसंद करें तो ठीक है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं है। खैर खैर, जो हैं जैसी हैं कि बुनियाद पर ही पसंद कर गए हैं वो लोग अहमक आप ही, मगर मंगनी शंगनी में तो बंदे को ज़रा मुख्तलिफ और सबसे मुनफरिद नज़र आना चाहिए ना, यानी हसीन तरीन। आखिर हर्ज ही क्या है कि आप कोई आपकी चकाचौंध से खुश हो रहा है तो आप एक साथ इतने दिल तो ना तोड़ें। नादिया अपी ने बेबसी और खफगी के मुश्तरका एहसास के साथ शहरीना को घूर कर देखा, जिसकी भूरी भूरी आंखों में गोया उनके लिए शहद ही टपक रहा था। वो बेख्तियार हंस पड़ी, ये एक मेरे पार्लर ना जाने से भला दिल क्यों टूटने लगे? सच्ची शहरी, मुझे बड़ी उलझन होती है पार्लर वालर जाने से, घंटा भर बैठो और कोई आपके मुँह पर अपनी मर्जी से डिज़ाइनिंग करता रहे, प्लास्टर मलता रहे। तानिया का तो दिल अपना सर पीट लेने को चाहा, शहरीना के हौसले और जब्त की दाद देने को दिल चाहा, जो घंटा भर से बल्कि सुबह से उनकी नाकुसुल अकल आपी से उलझ रही थी। शहरीना को तानिया ने सुबह बुलवाया था तो एक तो नादिया आपी को मेहंदी से कोफ्त होती थी, मगर जब मोना भाभी मेहंदी वाली को पकड़ कर साथ ही ले आई तो वो मुजरमों की तरह सर झुकाकर एक कोने में दबक कर मेहंदी लगवाने बैठ गई। दोनों हाथों में अब तक लग चुकी थी, अब उनके दोनों शफाफ पैर तपाई पर धरे थे, जिस पर मेहंदी वाली फर्श पर बैठकर कौन से दिलकश डिज़ाइन बना रही थी। ये उनके घर की पहली खुशी थी, तानिया की बड़ी फुप्पो और खाला सफिया अम्मा के साथ दूसरे बखेड़े समेट रही थी। बाहर सिकंदर रजा वलीद हसन के साथ मिलकर कल के फंक्शन पर डिस्कस कर रहा था। घर में गुंजाइश कम होने के बाइस गली में शामियाने लगाने का प्रोग्राम बना रहा था। इसके अलावा दूसरे कई छोटे मोटे काम थे जो वो सुबह से निपटा रहे थे। अंदर उन लोगों ने रौनक लगा रखी थी। तानिया के मोहल्ले की सहेलियाँ गाहे बगाहे आकर अपने फ़र्ज निभा जाती, छोटे मोटे कामों में हाथ बटा जाती थी। तानिया ने टेपफुल आवाज़ में खोल रखा था। मुना भाभी भी यहीं थी और अपनी मेहंदी पंखे के नीचे खड़ी सुखा रही थी। उनका कहना था वो बच्चों वाली हैं, इसलिए जल्दी मेहंदी सुखाकर उन्हें वापस भी जाना है और अपने जाने की जिम्मेदारी उन्होंने वलीद पर डाल रखी थी। मैं तो कहती हूँ इसे भूतनी बनकर बैठा रहने दो, दूल्हा लगेगा अपालो और ये लगेगी बिल्कुल चुगद, मोना भाभी ने कहा। एवं अपालो लगेगा, देखा हुआ है मेरा, नादिया अपी मुँह बनाकर बोली।
तो वो तीनों हंसने लगीं। अल्लाह ने कहाँ से देख लिया, अभी तो सात पर्दे हायल हैं दरमियान में, इसे कहते हैं छुपा रुस्तम। जी नहीं, तस्वीर देखी है। वह झीम कर जल्दी से मोना भाभी की तरफ वजाहत पेश करने लगी तो वो अब्रू को जुम्बश देकर मैनी खेस तबस्सुम से उसे देखने लगी। तो तस्वीर रखी हुई है, फिर तो ये गाना भी गाती होगी कि जरा जरा तस्वीर से तू निकल कर सामने आ मेरी महबूबा। भाभी तरन्नुम से गाने लगी। वो झीम कर सर झुकाकर अपने पैर के डिज़ाइन देखने लगी। मेहंदी वाली जैसे ही नादिया आपी से फारिग हुई, शहरीना ने झट से अपने हाथ आगे कर दिए, जिस पर तानिया ने उसे धप रसीद की कि जबकि भाभी चीखने लगी, देखो देखो इस बेसब्री को, अभी मुझे कह रही थी कि मैं मेहंदी थोप कर बैठ गई हूँ ताकि काम ना करना पड़े, अब जो तुम थोपने लगी हो, चलो हटो पहले, मुझे ज़रा इस हाथ को पूरा करवाने दो, बस ज़रा सा रहता है, कितना थोपेंगी वसीम भाई के काम, क्या सुगरा करेगी। और जिस तरह फैल कर बैठी थी, ज़रा भी टस से मस ना हुई। नादिया आप ही हंसने लगी, जिस पर शहरीना उन्हें देख कर बोली, ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, बस अब कल आपको हर हाल में पार्लर ले जाऊंगी, कोई चूँ चराना होगी, आपको पता है मैंने अपॉइंटमेंट भी ले लिया है। क्या, नादी अपने जुजबज होकर कुछ कहना चाहा कि उसने जल्दी से हाथ उठाकर उनके मुंह पर रख दिया। बस फिक्र मत करें, चेहरे पर कोई लेपा पोती नहीं होगी, सिर्फ चेहरा बदल जाएगा, ये खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत हो जाएगा और मूवी शूवी अच्छी आ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों के दिल पहलू में खुश हो जाएंगे। नादी आपी सर पकड़ कर रह गई, अपने बचाव के सारे हथियार ज़ाया हो गए थे। तानिया की फुफीजाद और सफिया खाला की बेटियां आईं तो तानिया ढोल लेकर बैठ गई। या अल्लाह, ये भी बर्दाश्त करना होगा मुझे। नादिया आपी यूं बुखला कर फिर ठंडी सांस भरने लगी कि तानिया उन्हें घूर कर रह गई, जबकि शहरीना अपनी बेसाख्ता उमड़ने वाली हंसी को ना रोक सकी और फिर मेहंदी से फारग होकर उसी तरफ आ गई और ढोल पर एक हाथ से थप थप मारते हुए बोली, अब तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा, आपकी डोर हमारे हाथ में है, ऐसे ही डोर हाथ में है, बस ये पाँव की मेहंदी सूख जाने दो। कमरे में दाखिल होता वलीद हसन दरवाजे पर ही ठठक कर रुक गया था। धीमे धीमे बजते डोल की लय के साथ उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। आंखों में शरारत कूट कूट कर भरी थी जो नादिया आपी की तरफ उठी हुई थी और लबों पर खेलने वाली मुस्कुराहट वक्फे वक्फे से कुशादा हो जाती। वो दिलचस्पी के साथ उसे देखने लगा। तो लो आ गए सामने, बल्कि मुकाबला पर। तानिया की नज़रें यक पयक वलीद हसन पर गई थी। कुछ वलीद हसन की महवियत भी उसने चुपके से नोट की थी, फिर मुस्कुरा कर शहरीना को देखा। वलीद हसन जल्दी से संभल गया था। शहरीना ने रुख मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा और झीम कर जल्दी जल्दी से खामोश हो गई। सबकी हंसी बेसाख्ता थी। लीजिए संभालिए अपनी दुख्तरे नेक अख्तर को, वो इन सब की हंसी को नज़रअंदाज कर गया और तूबा को भाभी की सिमत बढ़ाया। अरे इसे कहाँ से पकड़ कर ले आए, मैं तो उसे घर छोड़कर आई थी। भाभी तूबा को देखकर चकरा गई और अपने गीले हाथों की तरफ देखा। मेहंदी अभी पूरी तरह सूखी ना थी। उस पर मसदाद वलीद ने कुछ इस बेहंगम अंदाज में 1.5 साल तूबा को उठा रखा था बल्कि उठाया गया था, उसे अपने एक हाथ से लटकाया हुआ था जिस पर वो रो रही थी। भाभी का कलेजा मुंह को आ गया। घर गया तो वसीम भाई इसे लिए टहल टहल कर चुप कराने की कोशिश फरमा रहे थे, फिर लामहाला उसे मेरे हमराह कर दिया ये कहकर कि इस बला को ले जाओ। खुदा के लिए रहम करो मेरी बच्ची पर, उसे ढंग से तो उठाओ, रो रो कर बेहाल हो गई है मेरी बच्ची, भाभी तड़प कर चीखी। अभी मेहंदी का ख्याल ना होता तो वलीद के हाथ से झपट लेती। बला तो नहीं कहा होगा उन्होंने इसे, वो उसे घूरते हुए बोली। तो फिर आपको कहा होगा शायद के बला के पास ले जाओ, उसने इत्मीनान से किसी बैट की तरह तूबा को लहराया तो भाभी के साथ शहरीना की भी चीख निकल गई। इसकी तो जान थी तूबा, क्या कर रहे हैं आप, अभी दीवार से टकरा जाती। वो अपनी जगह से उठी और बेसाख्ता तूबा को लपक कर उठा लिया। दूसरे पल तूबा तो हाथ में थी मगर अपने हाथ की दुर्गत देखकर उसकी लपकती झपकती सारी मोहब्बत दम तोड़ गई। भाभी ने जल्दी से मुंह फेर कर अपनी उमड़ने वाली हंसी को रोकने की कोशिश की और वो तूबा को गुस्से में नादिया अपी के बराबर उनके बेड पर पटक कर हाथ का हशर इंतहाई आजर्दगी से देखने लगी। इसे कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। वलीद की बात पर वो जल कर रह गई। वो सब अलग खी कर रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, वो मारे गुस्से के एहतजाजन कमरे से वॉकआउट कर गई। शहरी बात तो सुनो, धोना मत हाथ, भाभी का दिल पसीज गया, वो चिल्लाई। तानिया भी उसे आवाज़ देने लगी। अब इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, उसकी भारी आवाज़ पुश्त से उभरी। उसके तपे तपे चेहरे को देखकर वो खासा महफूज हो रहा था। फिर दरवाजे से बाहर निकलकर देखा, वो आंसू बहाते हुए बेसन पर हाथ धो रही थी। अब हटो, क्या खड़े हंस रहे हो, बजाय तसल्ली देने के मजीद चिढ़ा रहे हो। मुना भाभी उसे दरवाजे में फैल कर खड़े देख
खड़े किसी दिलचस्प फिल्म की तरह उस मंजर को देखते कलस कर रह गईं और उसे एक तरफ धकेल कर बाहर निकली। खुदा तुम जैसा कठोर देवर किसी को ना दे, मेरी बच्ची की जान एक कर दी और अब इस बेचारी के रोने पर महफूज हो रहे हो। रोती बिलखती तूबा को भाभी बगल में दबाई हुई थी। लीजिए, मेरे इतने कसूर निकल आए, अपने मजाजी खुदा को जाकर कहिए जिसे एक बच्ची नहीं संभल सकती। वो उनके लगाए गए इल्ज़ाम पर तड़पने की मस्नूई एक्टिंग करने लगा। आखिर वो भी तुम्हारा ही सगा है ना, तुम्हारी सिनफ का, दोनों बेदर्द कठोर। वो झुंझला कर शहरीना की तरफ आई जो मेहंदी धोए जा रही थी और आंसू भी बहाए जा रही थी। तानिया और उज्मा भी उसके पीछे आईं, सबका दिल उसके लिए नर्म हो गया। चंद लम्हों बाद वो अपने फीके फीके हाथ में उभरने वाले डिज़ाइन को देखते हुए सबके जुलूस में उदास हसीना बनी कमरे में दाखिल हुई तो वलीद हसन बेसाख्ता उमड़ने वाली मुस्कुराहट को ना रोक सका, जबकि उसने खा जाने वाली नज़रों से उसके खूबसूरत मुतबस्सम चेहरे को देखा। वो सोफे पर इत्मीनान से बैठा हुआ इस लम्हे इसे सख्त जहर लगा। एकदम दिमाग में न जाने क्या समाई, उसने आओ देखा ना ताओ, झुक कर फर्श पर रखी प्लेट से एक मेहंदी का कोन उठाया और उसे मुट्ठी में दबाकर प्रेस करते हुए उसका रुख वलीद हसन की तरफ कर दिया। मेहंदी की लंबी पतली सी धार फिजा में बुलंद हुई, उसकी तरफ उड़ी। ये हमला बिल्कुल अचानक हुआ था। कमरे में दाखिल होता नुमान घबराकर उल्टे पैरों वापस मुड़ गया, जबकि वलीद एक झटके से कुर्सी से उठा जैसे उसके नीचे किसी ने अंगीठी जला दी हो। शहरी शहरी, ये क्या बदतमीजी है, मोना भाभी ज़ोर से चिल्लाईं। तानिया और दूसरी लड़कियां फिजा में उड़ उड़ कर गिरने वाली मेहंदी से बचने के लिए इधर उधर भाग रही थी, जबकि उसका निशाना सिर्फ वलीद हसन था जो इस अफताद पर घबरा कर धाड़ा। शहरी क्या कर रही हो, और हंसिए, खूब हंसिए। वो उसके शफाफ बेदाग कुर्ते पर मेहंदी के छींटे और उसे बदहवास देकर खिली जा रही थी। यकदम वो वहाँ से बचने के लिए भागने की बजाय उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे पल उसके दोनों हाथ उसके मर्दाना हाथों के मजबूत शिकंजे में थे। कौन उसके हाथ से गिर गया, जिसे नादिया अपी ने जल्दी से उठा लिया। कमरे में फैली अफरा तफरी में यकदम ठहराव आ गया। वो बेकाबू अब वलीद हसन के शिकंजे में थी। शहरीना खुद को छुड़ाने की भरपूर जिद्दोजहद करने लगी। जाहिल लड़की, तुम्हें तो बोर्डिंग में भेजना चाहिए था, अभी तरबियत की ज़रूरत है। वो उसका हाथ पुश्त की तरफ ले जाकर एक झटका देते हुए वलीद ने तुरशी से उसे घूरा। उस झटके से उसकी चीख निकल गई, उफ छोड़े मेरा हाथ, आपको होगी बोर्डिंग की ज़रूरत, फॉर गॉड सेक छोड़े मेरा हाथ। हाय अम्मी, वो चिल्लाने लगी, अब बताओ करोगी ऐसी फजूल हरकत। वो उसे घूमते हुए घुर्राया और उसे दीवार से लगाकर हाथों की गिरफ्त और मजबूत कर दी। उसकी भूरी भूरी आंखों में मारे तकलीफ के आंसू आ गए जो टप टप करते रुखसारों पर फिसल पड़े, यूं जैसे क्रिस्टल के मोती नरम मखमल पर बिखर जाएं। तकलीफ़ और बेबसी के एहसास से रुखसार अलग लाल भभूका हो रहे थे। बताओ अब करोगी ऐसी बदतमीजी, वो इसके बिल्कुल करीब ही खड़ा था और अपनी खशमगीन निगाहों के हिसार में लिए हुए था। तब वो ज़िद्दी लहजे में अपने अंदर का खौफ छुपाने के लिए उसकी आँखों में डालकर चिल्लाई, करूंगी करूंगी, क्या कर लेंगे आप। आंसुओं से लबरेज रोशन आंखें वलीद हसन को घूरती हुई निगाहों से टकराई तो ना जाने क्यों वलीद हसन ने यकायक घबरा कर नज़रें तपे तपे चेहरे से हटाकर दीवार पर जमा दी। उसे लगा जैसे उसके दिल से टूट कर कोई ऐसी शय गिरी जो जैसे चट्टान से कोई टुकड़ा टूट कर तालाब में पुरसकून सतह में गिरा हो और पानी मुंतशिर होकर फैल कर चारों किनारों से जा टकराए। उसका वजूद भी पानी की मानिंद लरस सा गया। वो यकदम उसे दीवार पर धकेल कर पीछे हट गया और उधर वो उसकी गिरफ्त से निकलकर तेज़ी से भागी जैसे पकड़ लिए जाने का डर हो। बदतमीज़ जंगली लड़की, वो बड़बड़ाता हुआ पेशानी पर शिकने डालता कमरे से निकल गया। भाभी ने भी एक सुकून की सांस ली और मुस्कुराती उसकी तरफ आई और उसे एक हाथ रसीद किया। किसी दिन तुम वलीद के हाथों बुरी तरह पिटोगी शहरी, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। इस बार तो माफ़ कर दिया उसने, मगर वो लापरवाही से कंधे उचकाकर हाथ हिलाते हुए नादिया अपी के बराबर बेड पर ढेर हो गए। कंधा इस बुरी तरह दुख रहा था जैसे कोई मनोबोझ उस पर डाल दिया गया हो। आज मुझे बड़े साई ने हवेली बुलाया था, मास्टर दीन मोहम्मद के बेटे यूसुफ ने चंगेर से रोटी निकालते हुए मास्टर दीन मोहम्मद को बताया जो चार पाई पर चित लेटा खिला में घूर रहा था। हूँ खैर तो है, अख्तर रसूल बता रहा था मुझे कि यूसुफ को बड़े साई ने बुलाया है। खैर तो है, क्या खता होगी हम लोगों से, वो हंकारा भरकर बैठ गया। लहजे में ऐसी हंसी दर आई जैसे वो खुद पर हंस रहा हो। इस बार खुशखबरी लेकर हवेली से आया हूँ। पहले पहल तो मैं भी यही समझा कि जाने क्या कसूर हो गया मुझसे, जिसकी बाज़ पुर्स होनी है
पर ऐसा कुछ नहीं था। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मास्टर दीन मोहम्मद की बहू शौहर की बात पर चहक कर मूड़ा खिसका कर बैठ करीब आ गई। कैसी खुशखबरी यूसुफ, तू चुप कर। उसने आंखें दिखाई तो दबक कर धागों में उलझ गई, मगर फितरी तजस्सुस के मारे कान इधर ही रखे। जबकि वो मास्टर दीन मोहम्मद से कह रहा था, तुम सुन रहे हो बाबा? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बल्कि हैरत में गंग हूँ कि हवेलियों से भी हम कमी कमीन के लिए खुशखबरियाँ आती हैं। चल बता क्या खबर की, क्या खैर की खबर सुनाने तुझे वडेरे ने बुलवाया था? क्या कोई अराजी कोई प्लाट तेरे नाम कर दिया है? खुश तो यूं दिखाई दे रहा है। वो चारपाई पर पैर लटकाकर बेटे का चेहरा देखने लगा। तुमने तो बाबा मुझे हमेशा ये सबक पढ़ाया कि अपने जाती दुख सुख इज्तमाही दुख सुख से इस्तवार रखो। वो मुझे प्लाट प्लाट देता तो इतनी खुशी ना होती। पानी का ग्लास उठाकर उसने लबों से लगाया, तीन सांस में खाली करके फिर हाथ पोंछता चारपाई की तरफ आया। वडेरा साईं ये स्कूल बंद करके दूसरा स्कूल खोलना चाह रहे हैं। क्या ये स्कूल बंद करवा दिया है? मास्टर दीन मोहम्मद चारपाई पर उछल कर रह गया। ओहो बाबा पहले पूरी बात तो सुन लो। यूं भी ये स्कूल कोई स्कूल है, वो बाकायदा बड़ी जगह पर बड़ी सी इमारत तामीर करना चाहता है। अब बता बाबा, है ना हैरत और खुशी की बात? ऐसा स्कूल जिसकी छतें होंगी, मेज़ें कुर्सियां हों, जहां ठंडा पानी हो, पंखा हो, बड़ा सा घंटा हो। और बाबा ऐसा स्कूल ही तो ख्वाब है ना हमारा, और वडेरा ये ख्वाब पूरा करने वाला है, यही कहना चाहते हो ना? मास्टर दीन मोहम्मद हंस पड़ा। उसकी हंसी में छिपा तंज वाज़े था। वो बेटे को यूं देखने लगा जैसे वो बेहद बचकाना बात कर रहा हो और उसे अपना ये 6 फुट का बेटा वो बच्चा ही लगा जो खिलौने से बहला दिया गया हो। ये वडेरा लोग हमारे ऐसे ख्वाबों को मस्मार ज़रूर कर सकते हैं, उन्हें तामीर नहीं करते। देख रहे हो मेरे ये बाल, मेरी ये उम्र, इतने साल गुजर गए मुझे ये ख्वाब देखते हुए, उनकी ताबीर पाने की हसरत लिए, ऐसी खुशखबरियाँ सुनते सुनते। यूसुफ हमारे और हम जैसे के हाथों ख्वाबों की सिर्फ राख आती है, ताबीर की तितलियाँ नहीं। पर बाबा उन्होंने बड़ी संजीदगी से ये बात की है, भला उन्हें मजाक की क्या सूझी? यूसुफ उलझ गया। कुछ दिल बाप की बातें मानने की तरफ मायल था, कुछ दिल अपनी दलीलें देकर जैसे खुद पर तसल्ली चाहता था। मास्टर दीन मोहम्मद के लबों पर मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो एक शिकस्ता सिपाही के चेहरे पर मैदान जंग के बाद आती है। शिकस्ता खाली खोखली सी और खुद आजार सी मुस्कुराहट। तुम तो बस मायूसी की बात ही करना। मास्टर दीन मोहम्मद की बीवी गाजरों का थाल उठाए फर्श पर बैठ कर उन्हें काटते हुए मुँह बिगाड़ कर बोली, मेरे पुत की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती ना अम्मा। बात तो बाबा की भी गलत नहीं, यूसुफ जल्दी से बोला, फिर गहरी सांस भरकर मास्टर दीन मोहम्मद की तरफ देखा। ये भी ठीक है, इतने बरसों में इस गांव में स्कूलें बंद ही हुई हैं, तामीर नहीं हुई, तो क्या बाबा ये स्कूल भी बंद हो जाएगा हमेशा के लिए? वो चंद बच्चे जो शौक और लगन से बस्ता लटकाए इल्म की मोहब्बत में आते थे, वो प्यासे रह जाएंगे, ये कुआं भी उनसे छीन लिया जाएगा। हाँ हाँ यूसुफ पुत, हाँ, क्योंकि इन वडेरों जागीरदारों आली रुतबा लोगों का काम तालीम फैलाना नहीं बल्कि नाख्वानगी अफलास जुल्मत और तारीखी फैलाना है, ताकि उनके कदम ही नहीं नक्शे कदम भी ये बेशऊर लोग चूमते रहें। उनकी अनानियत की तस्कीन के तनूर में वो ईंधन बनते रहें। उनका मंशूर गुलामों की तादाद में इजाफा है ताकि उनकी अकायत बरकरार रहे, और कोई भी बाशऊर गुलामी गवारा नहीं करता कि बहरहाल गुलामी एक बदतरीन शय है। कोई भी बाशऊर आखिर गुलामी की बजाय इफलास मगर आज़ादी की हालत को कबूल करेगा। मास्टर दीन मोहम्मद के लहजे में आज़र्दगी थी। वो चारपाई पर जैसे थक कर लेट गया। अब कई सालों से उस आज़र्दगी पसमर्दगी में मुबतला रहना उसकी आदत बन चुकी थी। आज़ादी तो शऊर से मशरूत है ना, शऊर तालीम से, और यहाँ तालीम का ही सबसे पहले गला काटा जाता है। तालीम के सहारे को छीन कर अवाम के कदमों से ज़मीन और सिरे सर से आसमान खींच कर उन्हें जहालत की जुल्मत की फ़िज़ा में मुअल्लक कर दिया गया है। अब हम ऐसी कटी पतंग हैं कि ये पेशवा आली मर्तबा लोगों के हुक्मों की हवाएं जहां हमें उड़ाएं उड़ते चले जाते हैं, हमें अपने वजूद पर खुद इख्तियार नहीं। मास्टर दीन मोहम्मद की थकी थकी बोझल सांसें छोटे से आंगन को मजमहिल कर गईं। यूसुफ सामने दीवार को घूरता फिर रहा था, जैसे चटक कर खड़ा हो गया। बेबस और बेआसरा करने की भी हद होती है। मास्टर दीन मोहम्मद की सच कड़वी बातों ने उसकी सारी खुशी का कतरा कतरा निचोड़ लिया था। उसका दिल मुरझा गया था, जैसे उगने वाले नन्हे पौधों को पैरों से रौंद दिया जाए। फिर वो मलूल सा चारपाई से उठकर बाहर निकल गया।
वो अभी अपने बेडरूम में दाखिल हुआ था कि फ़ोन की घंटी चीख उठी। उसने खुद को बेड पर गिराते हुए साइड टेबल पर रखे ब्लैक टेलीफोन सेट को उठाकर गोद में रखते हुए रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ आमना मर्दान अली थी। कहाँ से बोल रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर उसने जिस्म को ढीला छोड़कर तकरीबन नीमवा होते हुए बेड से टेक लगा ली। अपनी गाड़ी में हूँ और मोबाइल पर बात कर रही हूँ। अच्छा, कब पहुँची शहर? वलीद हसन ने दरियाफ्त किया तो उसकी हंसी उसकी समाज से टकराई। उससे कैसे साबित हुआ कि मैं शहर में हूँ? खैर मैं वाकई शहर में हूँ। आज सुबह ही आई हूँ जब मुर्गा बांग दे रहा था। उसने शरारत भरा लुकमा दिया। मुर्गे का तो पता नहीं, अलबत्ता मेरा टाइम पीस ज़रूर बांग दे रहा था, वह दूबदू बोली। हाँ, अब मुर्गे तो बेचारे आउट ऑफ डेट हो गए हैं, अब जदीद ज़माना है, टाइम पीस बांग देने लगे हैं अपनी। एनी वे ये बताओ मुझे याद करने का सबब। हाँ, अब मुर्गे तो बेचारे आउट ऑफ डेट हो गए हैं, अब जदीद ज़माना है, टाइम पीस बांग देने लगे हैं। एनीवे ये बताओ मुझे याद करने का सबब। तुम बस बेसबब याद आए, वो हौले से गुनगुनाई, फिर कहकहा मारकर बोली, मैं तुमसे इमीडिएटली मिलना चाहती हूँ, यानी जल्द अज जल्द मुझसे मिलो। कहो तो गाड़ी तुम्हारी तरफ ही करके तुम्हें पिक कर लूँ। अभी उसके लहजे में बेताबी थी। वो लहजा भर हैरान हुआ, फिर रिसीवर को घूर कर गहरी सांस भरी। खुदा खैर करे, ऐसी क्या आफत आ गई है? संजीदगी से बताओ कि बेहद ज़रूरी काम है या मुझे चीट कर रही हो। भाई काम आ पड़ा है ना, जल्दी से बताओ, आ रहे हो या इज़्ज़त माँ आलम पनाह को लेने मुझ कनीज़ को खुद चलकर आना पड़ेगा? उसका अंदाज़ खासा शगुफ्ता सा था। वो हंस दिया, इस वक्त तो लंच का टाइम है और मेरा ख्याल है कि हमें किसी कैफ़े रेस्टोरेंट में ही मिलना चाहिए। उसने आस्तीन पलट कर कलाई में बंधी घड़ी पर नज़रें डाली। बहुत अनरोमांटिक किस्म के बंदे हो, मैं तो किसी पुरफिजा और रोमांटिक जगह का इंतखाब कर रही थी। एनीवे आ जाओ फिर किसी रेस्टोरेंट में, वो मसनूई मायूसाना सी सांस भर कर बोली। मोहतरमा आमिना अली, भरी दोपहर जब आसमान आग उगल रहा हो, कोई मुकाम पुरफिजा और रोमांटिक नहीं हो सकती। चलो मैं आ रहा हूँ। मगर उसने कुछ कहना चाहा, मगर दूसरी तरफ आमिना अली रेस्टोरेंट का नाम बताकर लाइन डिस्कनेक्ट कर चुकी थी। वलीद हसन एक दो पल रिसीवर को घूरता रहा, फिर उसे क्रेडल पर रख कर एक गहरी सांस लेकर बालों में हाथ फेरता बेड से उतर गया। उसके ख्याल में एक आध घंटा वो आमना अली को दे सकता था, फिर उसे सिकंदर रजा की तरफ जाना था। आज नादिया अपी की मंगनी थी। यूँ तो ये रस्म खालिस जनाना थी, मगर सिकंदर रजा को जहनी सहारे और उसकी तसली और तकवीत के लिए वो अपनी मौजूदगी ज़रूरी समझता था। हल्के नीले रंग के कल्फ लगे शलवार कमीज पर पड़ी सलवटों पर उसने सरसरी निगाह डाली और आईने में अपने सरापे को देखा। उसके ख्याल में इस कदर नामाकूल हुलिया भी नहीं था। यूं भी उस वक्त उसका जहन ये सोच रहा था कि यूं अचानक आमना अली को उसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई। उसी उलझे जहन के साथ उसने पैरों में लेदर की चप्पलें डाली, साइड दराज से गाड़ी की चाबी उठाई और कमरे से बाहर आ गया। बहुत सी सोचें उसके खाली जहन में उभर उभर कर दम तोड़ रही थी और इन्हीं सोचों के ताने बाने में उलझा वो उसके बताए रेस्टोरेंट में पहुंचा तो वो उसे पार्किंग लॉट में नज़र आ गई। ब्लू जीन्स और ढीली ढाली जर्सी में थी। छोटा सा बैग कंधों पर झूल रहा था और वह दोनों हाथ बगलों में दबाए अपनी ज़ाती इस्तेमाल की रेड सिविक से टेक लगाए खड़ी थी। आंखों पर सनग्लासेस धरे थे और उसके कटे हुए शानों तक आए बाल हवा में उड़ रहे थे। वलीद हसन ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के करीब ही पार्क की और नीचे उतरा। वो उसे देखकर ग्लासेस उतारकर पेशानी पर टकाते हुए फिदवियाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। भाई मान गए कि पंक्चुअल तो तुम हो ही, और अब तो ये भी यकीन कर लेना पड़ेगा कि वादे के पाबंद भी हो। थैंक यू वली, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक जगह रहने तो पहले ये बताओ, ऐसी कौन सी मुहिम आ पड़ी जो मेरी हेल्प के बगैर सर नहीं हो सकती? सारे रास्ते सोच सोच कर दिमाग हिल गया, मगर कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सका। बस यूं ही मुँह उठाए भागा चला आया हूँ। वो गाड़ी लॉक करके उसकी तरफ आ गया जो उसकी गाड़ी के दरवाजे से लगी खड़ी थी। उसकी बात कतन सुनी अनसुनी करती उसके सरापे पर निगाहें दौड़ाते हुए बोली, बेनहतमाम भी अपालों के कज़न लग रहे हो, खुदा जाने अहतमाम करके आते तो क्या लगते हो। खासी बेतकल्लुफ़ी से उसके सरापे पर निगाहें गाड़े उसको सराहने लगी। लहजा भर उसकी इस बेबाकी पर वलीद हसन झींप कर रह गया। शायद उसे तवक्को न थी किसी लड़की के मुंह से इस तरह की तारीफ़ की। ताहम वो इसके लहजे के खुमार पर कतई गौर किए बिना उसे हल्के से घूरते हुए बोला, तंज कर रही हो, बस वक्त ही नहीं मिला हुलिया दुरुस्त करने का। गो के वो जानता था आमना अली ने तंज नहीं किया था। उसकी आंखों में तौसीफ की पुरशोर लहरें वाजिया दिखाई दे रही थी और वो अपनी शख्सियत की इसी सहरंगेजी से आगाह था। यूं भी उसे एहसास था कि सुबह के हल्के शिकन आलूद इन कपड़ों में भी उसकी शख्सियत की दिलकशी मान नहीं हुई, बल्कि उसकी ये लापरवाही और सादगी उसकी शख्सियत में एक अनोखा हुसन पैदा कर रही थी।
मेरी आंखों में झांक लो, खुद पता चल जाएगा मैं तंस कर रही हूँ या तारीफ। उसका लहजा हनूस दाद देता हुआ था। उसकी सारी हिस्सियात वलीद हसन को देखकर शोरीदा सर जज्बों में बदल गई थी। हमेशा की तरह उसकी आंखों में वलीद हसन के लिए पसंदीदगी के जज्बात उभर आए थे। उसकी हल्की आई शेडों से सजी आंखें बोझल और भारी हो रही थीं। वो गैर महसूस तौर पर चौंकते हुए रुख बदल कर आगे बढ़ते हुए बोला, मेरा ख्याल है हमें शरीफों की तरह अंदर बैठकर बात करनी चाहिए। उसके रुख बदलने पर वो उसके चेहरे पर उभरते तासुरात का जायज़ा ना ले सकी। हाँ, उसका रुख बदलना और कुछ संजीदगी के साथ कदम उठा देना उसे बुरा नहीं लगा था। ये भी शायद उसकी अदा थी। उसके डार्क लिपस्टिक से सजे होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। वो दोनों बातें करते हुए सुनहरी जंजीरों से बने हुए जंगले के दरमियान से गुजरकर रेस्टोरेंट में पहुंच गए। तुम्हारे ख्याल में मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? वो दोनों एक मेज़ मुंतखब करके बैठ गए और वो इत्मीनान से दोनों कोहनियाँ मेज़ की सतह पर जमा कर कुछ उसकी जानब झुकते हुए पूछने लगी। अब मुझे गैब का तो इल्म नहीं आता, यही तो तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसने उसकी तरफ बगौर देखा, फिर जैसे ठठक सा गया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी। आमना यू आ आ, उसने तेज़ी से हाथ उठाकर गोया उसे किसी इकदाम से बाज रखना चाहा, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो उसे दांत पीसकर घूरने लगा। इसका मतलब है तुमने मुझे चीट किया है? भाई चीट वीट नहीं किया, बस तुमसे मिलने की सबील निकाली, वो हंसी के दरमियान बोली। वो हनूज उसे घूरे जा रहा था। मोहब्बत और जंग में तो सब जायज़ है ना? वो आगे आए बालों को पीछे धकेलते हुए अदा से बोली और कोहनियों को गिरा कर मेज़ की सतह पर दोनों हथेलियां जमा कर उसे दिलचस्प निगाहों से देखते हुए बोली, अब इस तरह मुझे आंखों ही आंखों में लंच की जगह नोश फरमाओगे या और कुछ भी खाओगे? वो फिर मेन्यू उठाकर लंच का ऑर्डर देने लगी। वो एकदम संजीदा नज़र आने लगा। ये जोक तुम किसी और वक्त के लिए उठा रखती, आज तो कम अज़ कम बख्श देती। आज सिकंदर की बहन की मंगनी है और मेरा जाना कितना ज़रूरी है तुम्हें खबर नहीं। कौन सिकंदर? वो उसकी जिंदगी का खातिर ख्वाह नोटिस ना लेते हुए बेपरवाही से जूस का ग्लास उठाकर उसकी हल्की हल्की चुस्कियां भरने लगी। भाई एक ही तो सिकंदर रजा है जो, अच्छा वही जर्नलिस्ट? वो लबों से ग्लास हटाकर पुरख्याल अंदाज में बोली, फिर मुंह सुकेड़ कर बोली, जिसके पास खटारा सी बाइक है और जो बदरंग सी जींस में खुद को जेम्स बॉन्ड का जानशीन साबित करने पर तुला नजर आता है और जिसके कंधों पर एनी टाइम एक फजूल सी जैकेट यूं झूलती रहती है जैसे शिकारी के कंधे पर बंदूक और जो खुद को अहद जदीद का सहाफ़ी कम और अफलातून ज़्यादा समझता है। उसके लहजे में ऐसे तहकीर और करवाहट थी जैसे वो ऑरेंज का जूस पीने की बजाय कोनैन का सिरप पी रही हो। हाँ वही जर्नलिस्ट, एक सच्चा खरा जर्नलिस्ट। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए नीम वासी आंखों से नहायत पुरसकून अंदाज में उसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा लेते हुए बोला। आमना अली के चेहरे के तासरात यकदम इस्तेहजाया हो गए और लबों पर मध्यम मगर कदरे नखोवत ज़्यादा मुस्कुराहट लहराने लगी जैसे सिकंदर रजा उसके लिए कोई मकरू सी शय हो। सच सब ढकोसला है, इसी सच्चाई से वो मुखालिफ पार्टियों से खासा वसूल करता होगा। अब यही तो ट्रेंड चल निकला है कि एक दो सियासतदानों की कमजोरियां पकड़कर उस पर कॉलम लिखो, गोया एक तरह से अपने कॉलम की कीमत लगाओ, जितना जुमलों पर गिरफ्त होगी कीमत उतनी अच्छी मिलेगी। सॉरी आमना मर्दान अली, आई थिंक यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, और तुम्हारे बाप जैसों के ख़रीदे हुए सहाफ़ियों में से नहीं हैं। वो एक गैर जानिबदार उसूल परस्त और कलम की आबरू को संभाला देने वाला सहाफ़ी है। अगर ऐसा होता तो अब तक एक आध कोठी नहीं तो 2-3 हज़ार गज़ का बंगला ज़रूर होता। उसकी बहन की शादी बहुत पहले हो चुकी होती और वो ख़ुद को अफलातून समझने की बजाय अपर क्लास के BMW में घूमने वाले मखनचू लड़कों की तरह ख़ुद को प्रिंस ऑफ ड्रीम और रोमांटिक फ़िल्मों का हीरो साबित करने की कोशिश करता। वो कदरे रवानी और सख्ती से उसके जुमलों की नफ़ी करता हुआ बोला था, जिक्र सिकंदर रजा का हो, उसके पाक साफ किरदार कशी का मामला हो और वलीद हसन मुश्तहिल ना हो जाता। मगर सामने भी आमना अली बैठी थी जो औरत होने के नाते ज़्यादा मोहतरम थी। वो अपना इश्तियाल दबा गया, ताहम लहजे में हल्की काट दर आई थी। आमना अली ने कदरे चौंक कर और कुछ हैरत से उसकी तरफ़ देखा। उसके चेहरे के खूबसूरत नकूश में नागवारी झलकती दिखाई दे रही थी। वो गहरी सांस भरकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे पता था तुम उसके इतने बड़े एडमायरर हो।
वो माहौल में एकदम फैलने वाली कुशीदगी को रफ़ा करने के लिए खुशगवारी से हंसी। मैं हमेशा सच्चे और असूल परस्तों का एडमायरर रहा हूँ, वो बिला तामुल बोला, फिर नैपकिन गोद में रखकर लंच के लवाजमात की तरफ मतवज्जा हो गया। किस कदर नदीदे होलीद, पूछा भी नहीं कि किस खुशी में ये लंच है। वो तेज़ी से उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे चिकन पर हाथ साफ करने से बाज रखने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, क्या मतलब? उसने सर उठाकर ताज्जुब से उसकी तरफ देखा, तब वो खफगी से भरपूर अंदाज में किसी नाराज बच्चे की तरह उसे घूरने लगी। तुमने शायद घर से निकलते हुए टाइम देखा था, कैलेंडर नहीं, आज 25th है, मेरी बर्थडे है। मैं तो इंतज़ार ही करती रहेगी कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे, मगर आह ये ना थी हमारी किस्मत। उसने इतनी तवील और ठंडी सांस भरी कि वो शर्मिंदा सा हो गया और सीधा होकर कुर्सी की पुश्त से लगते हुए माजरत ख्वाहाना नज़रों से उसे देखा। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर दैट एमी, बस मेरे जहन से निकल गया। उसने रिस्ट वॉच में लगी तारीख पर नज़रें दौड़ाई और सीटी के अंदाज़ में होंठ सिकोड़ लिए। ओ आज तो वाकई 25th है, यानी तुम्हारी बर्थडे। यार मुझे फ़ोन पर मुतला कर देती, मैं कोई गिफ्ट ही ले आता। चलो ये लंच मेरी तरफ से, और गिफ्ट ड्यू, कोई ड्यू व्यू नहीं। लंच के बाद चलोगे मेरे साथ शॉपिंग सेंटर और अच्छा सा गिफ्ट लेकर दोगे। मेरा ख्याल है वॉलेट तो जेब में ही होगा, या जल्दी में वो भी भूल आए। उसकी बात पर वो बेख्तियार उमड़ने वाले कहके को ना रोक सका, बस यही गलती से जेब में पड़ा रह गया, उसने मासूमियत और मस्कीनियत से सर हिलाकर कहा तो वो उसे घूरते हुए हंस पड़ी, फिर उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारते बोली, वलीद 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 हसन, तुम्हारी यही अदाएँ तो मेरी जान ले लेंगी। उसका लहजा आँच देता हुआ था और अपनी आदत के मुताबिक उसे एक बार फिर सट पटाने पर मजबूर कर गई। वो इतना ऊंचा लंबा मर्द बावजूद पूरे तमाद और बेतकल्लुफ़ होने के लहजा भर को उसके खुले जुमलों पर गड़बड़ा जाता। उसके ख्याल में वो हद से ज़्यादा निडर बेबाक थी, या फिर शायद सारी लड़कियां अपनी चाहत के महवर के गिर्द यूं ही परवानों की तरह निसार होती होंगी और जुमलों के आगे यूं ही बर्फ़ की तरह पिघल जाती होंगी। ऐसा ही होता होगा, मगर इसका दिल अभी इस बात को ही ना मान सका कि उसकी निगाहों में एक हया से घबराया चेहरा लहरा कर रह जाता। या वहशत नौमी के बच्चे, एक वक्त में एक काम करो, गाड़ी चलाओ या ज़बान चलाओ, नादिया पिदत से फटते सर पर हाथ रखते हुए गुर्राई, चुप, मेकअप ख़राब हो जाएगा। और भाई इतना अच्छा गाना गा रहा है नौमी, वाह भाई नौमी तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, शहरीना ने उन्हें डपट कर नुमान को दाद देते लहजे में गोया सितम जारी करने पर शह दी। बस अब उसे सर ज़्यादा सर पर मत चढ़ाओ, तानिया चहक कर बोली, मगर वो ये समझ ही ना सकी थी कि नौमी की तमाम तर तवज्जो का मरकज़ गाड़ी की पिछली सीट पर नादिर और शहरीना के साथ बैठी उज़्मा थी, जो पार्लर देखने के शौकीन में उनके साथ चली आई। वो सब नादिया पी को ज़बरदस्ती पार्लर लेकर गई थी और अब वापसी में नादिया पी ब्राइडल मेकअप में थी। उनका हमेशा सादा नज़र आने वाला रूप उस वक्त बेहद चमक रहा था, मगर वो सफ़ेद चादर में खुद को तकरीबन ढांपे हुए थी ताकि आसपास से गुजरती नज़रें उन पर ना पड़ें। इन्हें बड़ी शर्म आ रही थी अपने इस रूप से, बकोल तानिया के ये चंदा सा रूप चांद बाबू ही देखेगा और लगता है मूवी वाले बेचारे को इस कफन पोश हसीना की ही मूवी बनाना पड़ेगी। उस पर नादिया अपने खसिया कर उसके कंधे पर चुटकी काटी थी। वो आगे की सीट पर नौमी के बराबर बैठी थी, इसलिए ना जान सकी कि व्यू मरर में नौमी ने उज़्मा को फोकस किया हुआ था। खुद नादिया अपी अपनी उलझन में थी, बस ये चोरी तो शहरीना ने ही पकड़ रखी थी, जबकि नौमी खुद बेखबर था कि शहरीना की इस बाखबरी पर। अरे इतना अच्छा सिंगर हूँ, मगर घर वाले सख्त ना कदरे हैं, जोहरी थोड़ी ही हैं कि हीरे की पहचान हो। वो ठंडी सांस भर कर मसनूई दिल गिरफ्तगी से बोला तो शहरीना हंसने लगी, अल्लाह रे हीरे। तानिया ने उसका सर से पैर तक जायज़ा लिया, फिर हूँ करके रुख फेर लिया। वो फिर शुरू हो गया और व्यू मरर को हल्के से छेड़ा तो शहरीना ने उसके कंधे पर हाथ मारा, अता पता मालूम कर रहे हो क्या? उसका ये शरारती हमला बिल्कुल अचानक हुआ था, वो अपने दिल के चोर के बाईस रासीमिया सा हो गया। उसका हाथ तेज़ी से वापस स्टेयरिंग पर आ टका, ये अते पते बाद में मालूम करते रहना, खुदा के लिए नौमिया प्लीज़ अपनी आवाज़ का जादू किसी और वक्त के लिए उठा रखो और जल्द अज़ जल्द घर पहुंचाओ। मुझे तो इन कपड़ों से वहशत हो रही है और ये इतना सारा मुंह पर थोपा हुआ है कि बंदा रुमाल से मुंह रगड़ भी नहीं सकता, सर अलग भारी भारी हो रहा है। खुदाया बालों के गजरे को बचाऊं, हेयर स्टाइल को, या फिर अपनी दुखती गर्दन को देखूं। हाय शायरी, ज़रा अपना कंधा इधर करना, कम से कम सर ही टका लूं। नादिया पी की दुहाइयां सुनकर तानिया हंस रही थी, जबकि शहरीना उन्हें अपना कंधा पेश करने की बजाय उन्हें घूरते हुए बोली, अभी तो सिर्फ मंगनी का राउंड हुआ है, शादी होगी तो क्या करेंगी, पार्लर में 6 घंटे स्टैचू बनकर बैठना होगा, फिर रस्में होंगी वो अलग, और रुखसती से पहले चांद बाबू की बहनों को जब तक नेक नहीं मिलेगा उसका इंतज़ार अलग रहेगा।
वो दिलदोज नक्शा खींच कर हंसने लगी। नादिया अपनी दांत कचकचा कर रह गई और उसे बेहिस संग दिल जालिम के खिताबात से नवाज कर उज़्मा की तरफ कदरे झुककर उसके कंधे पर अपना सर टका दिया। शादी के लिए जाती है पार्लर मेरी जूती, ये तो तुम लोगों ने आज मुझे घेर लिया, अब तो मेरी सात पुश्तों की तोबा जो तुम लोगों की बातों में आकर अहमक बनूँ। उनका चेहरा काबिले रहम था, बल्कि वो खुद को इस वक्त इंतहाई लाचार बेबस और काबिले रहम ख्याल कर रही थी। उस चिड़िया की तरह जो बेध्यानी में जाल में आकर अब फड़फड़ा रही हो। नोमी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाना तरक करके टेप खोल दिया और हंसबे हाल गाने के बोल गूंजे तो सब बेख्तियार हंस पड़ी, जबकि नादिया आप ही उनकी हंसी से झुलस कर किसी कम से नाराज़ बच्चे की तरह अपने हेयर स्टाइल का ख्याल एक तरफ डालकर उज़्मा के कंधे से बाकायदा सर टिका कर आँखें मूंद ली थी। तानिया ने गहरी सांस भरकर उनके हेयर स्टाइल और उनकी गर्दन में फंस जाने वाले मोतिये की लड़ियों पर दिल ही दिल में इन्ना लिल्ला पढ़ लिया था। शहरीना को भी उन पर रहम आ गया था, सो उन्हें मजीद नसीहत और डांट डपट का इरादा तक करते हुए खिड़की में मुंह दिए बाहर के नज़ारों को तकने लगी। ये उसकी अपने इस्तेमाल की ज़ाती गाड़ी थी जिसे नुमान ड्राइव कर रहा था। वो मसरूफ़ शाहरा से गुजर रहे थे जहाँ बेपना रश ने मुख्तसर फासले को तवील कर दिया था। 1 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले शहर में अब शाजो नादिर ही कोई वक्त और सड़क थी जहाँ ट्रैफिक का अजदहाम ना होता हो, और वो जहाँ फंसे थे उसके दोनों तरफ मशहूर शॉपिंग सेंटर्स थे जिसका रश भी काबिले दीद था। वह दिलचस्पी से लोगों को और कारों की कतारों को देखते देखते एकदम चौंक गई। उसका दिल दहक से रह गया, एक बेयकीन सा झटका लगा था। वो हैरत ज़्यादा निगाहों से पार्किंग लॉट की जाने बढ़ते उस जोड़े को देख रही थी। लड़की गोके उसके लिए अजनबी थी, मगर मत कोई गैर या अजनबी नहीं बल्कि वलीद हसन था। सिग्नल खुलने पर नोमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी, मगर उसकी निगाहें गोया उसी जगह ठहर गई थी। जहन में ऐसा सन्नाटा उतर आया जैसे हवा से महरूम चांद पर होता होगा। ये कैफियत कुछ लम्हे रही, फिर उसने सर आहिस्तगी से अंदर करते हुए सीट की पुश्त पर टका दिया। क्या बात है शहरी, तबीयत तो ठीक है? तानिया ने उसके चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए तशवीश से पूछा तो वो ज़बरदस्ती बेमकसद मुस्कुराने लगी। बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा सफ़र की तवालत ने बोर कर डाला है, थैंक्स गॉड अब हम खुली सड़क पर तो आए। वो गहरी सांस भरकर तानिया को मुतमईन करते हुए बोली और सीट पर सर टिकाते टिकाते ज़रा सा चेहरा मोड़कर शीशे के बाहर देखने लगी। ज़रूरी तो नहीं इसने जैसा देखा हो जो सोचा वैसा ही हो, वो उसकी जान पहचान की कोई लड़की हो सकती है, महज रस्मी ताल्लुक ही हो उससे। वो उसकी सोचों महज वहम से बड़ा गंदा हो रही थी। यूं भी बहुत से वहमों गुमान आदमी की अपनी नज़र का फतूर होते हैं, कभी कभी आंखें अपनी ही अंदर के खल्फिशार वहमों और अंदेशों से मशरूत होती हैं। वो अपनी सोचों से खुद अपने ही वहमों की नफ़ी करने लगी, फिर आंखें कुछ देर के लिए मूंद लीं।